सब्सक्राइब कीजिए शेखावत टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बढ़िया हो, मस्त हो, एकदम ठीक ठाक हो। ठीक ठाक रहना भी चाहिए दोस्तों। तो कई बार मुझसे एक बार YouTube पे कमेंट बॉक्स में और Facebook पे पूछा गया है कि हमें ऐसा कौन सा 20,000 रुपए के अंदर ऐसे कौन से मोबाइल परचेज करें जिसके अंदर हमें अच्छी बैटरी मिल जाए, अच्छा प्रोसेसर मिल जाए और अच्छी रैम मैनेजमेंट और स्टोरेज अच्छी मिल जाए और स्क्रीन क्वालिटी भी अच्छी मिल जाए। दोस्तों तो आज हम मैं ऐसे ही 5 मोबाइल बताने वाला हूँ आपको, जो कि आपको अच्छी बैटरी बैकअप सब कुछ अच्छा दे देंगे। तो आगे हमारी वीडियो देखते रहे, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मोबाइल की बात की जाए, सबसे पहला मोबाइल है नोकिया का 6, जिसके अंदर आप सबसे पहले हम कैमरा की बात कर लेते हैं। दोस्तों उसमें कैमरा रेयर कैमरा है, वो 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है और फ्रंट कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है। और दोस्तों इसके अंदर डिस्प्ले की बात कर ले, डिस्प्ले की 5.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है जो की अच्छी बात है, 5.5 इंच की डिस्प्ले है। और दोस्तों इसके अंदर ओएस की बात कर ले, इसके अंदर ओएस 7.1.1 का नोगट मिल जाता है, ये भी अच्छी बात है। दोस्तों प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, उसमें प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 430 मिल जाता है, तो बहुत पुराना हो गया हालांकि, लेकिन नोकिया की ब्रांड होती है उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं आप, लेकिन पुराना हो गया प्रोसेसर वो आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर रैम 3 GB मिल जाती है और 32 GB इसके अंदर स्टोरेज मिल जाता है। और दोनों इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो दोनों 4G 4G सिम लगा सकते हैं, या तो एक सिम लगा सकते हैं या फिर एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं या फिर 2 सिम लगा सकते हैं। दोस्तों बस इसके अंदर 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड ऑल बॉडी जो भी है वो मेटल की बनी हुई है, तो ये भी अच्छी बात है, मेटल बॉडी मिल जाती है, लेकिन NFC का सपोर्ट इनेबल मिल जाता है, जो NFC तो आजकल जरूरी हो गया है। डुअल स्पीकर भी मिल जाते हैं इसमें आपको। बस यही है इस मोबाइल खास बात, उसकी प्राइस की बात किया, उसकी प्राइस है 14,999 रुपए, जो कि अभी अमेजोन के ऊपर बिक रहा है, तो आप सेल है कल, आज या कल पे सेल है उसकी, तो आप परचेस कर सकते हैं इस मोबाइल को अमेजोन से डायरेक्टली। इसकी प्राइस है 14,999 रुपए। दोस्तों अगले मोबाइल की बात की जाए, अगला मोबाइल है मोटो का G5 Plus, इसकी कीमत है, पहले कीमत बता देते हैं आपको, इसकी कीमत है 15,999 रुपए, यानी करीब करीब 16,000 रुपए। उससे इसके अंदर क्या खास है वो बता देते हैं आपको, इसके अंदर 13 डुअल रियर कैमरा मिल जाते हैं जो कि 13-13 मेगापिक्सल के रियर कैमरा है, 2.0 पर्दा के साथ आते हैं। और दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात की जाए, दोस्तों फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और रैम 4 GB की रैम, 64 GB की स्टोरेज मिल जाती है और एक्सपेंड आप कर सकते हैं 128 GB तक। इसके अंदर 5.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है और गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। खैर ये तो बताते हैं गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है इसमें। और इसके अंदर डुअल नैनो सिम लगा सकते हैं, वही हाइब्रिड सिम स्लॉट इसके अंदर भी आपको मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर और मेटल बॉडी तो खैर आपको मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिल जाता है। इसके अंदर 7.0 OS की बात कर ले, इसके अंदर आपको 7.1.1 नोगोट का अपडेट मिल जाता है और इसके अंदर स्नैपड्रैगन 625 दिया गया है, जो कि बैटरी के मामले में एकदम बढ़िया है और हीटिंग के मामले में भी हीटिंग इतनी नहीं करता है ये। दोस्तों इसके अंदर बैटरी की बात की जाए, तो इसके अंदर बैटरी 3000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि कहा जा रहा है कि आपको थोड़ी थोड़ा सा फास्ट टर्बो चार्ज थोड़ा फास्ट कर देगा चार्ज, था हालांकि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो खैर नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि थोड़ा कुछ फास्ट चार्ज कर देगा ये, तो ये भी अच्छी बात रह जाएगी हमारे लिए। खैर प्राइस तो आपको बताई दी मैंने, इसकी प्राइस है 15,999 रुपए, यानी करीब करीब 16,000 रुपए बन जाती है इसकी प्राइस। दोस्तों अगले मोबाइल की बात की जाए, दोस्तों अगला स्मार्टफोन है हमारा कूलपैड का कूलप्ले 6, जिसकी प्राइस बता देते हैं आपको, प्राइस है इसकी 14,999 रुपए। हालांकि इस मोबाइल के हिसाब से मुझे ज्यादा लगे, क्योंकि इस मोबाइल में इतना कुछ मुझे खास लगा नहीं, आपको क्या खा सकते हैं आगे आप वीडियो देखते रहे। तो सर इसके अंदर रेयर कैमरा की बात कर लेते हैं, इसमें कैमरा डुअल रेयर कैमरा मिल जाते हैं जो कि 13-13 मेगापिक्सल के रेयर कैमरा मिल जाते हैं। और इसके अंदर जो डिस्प्ले की बात कर ले, डिस्प्ले की 5.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है वो जो कि 1080 पे सपोर्ट करती है। दूसरे इसके अंदर प्रोसेसर की बात कर ले, उसके अंदर स्नैपड्रैगन का 5653 यानी 653 इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया स्नैपड्रैगन का और एड्रेस GPU है जो कि एड्रिनो का है 510। उसके अंदर रैम और स्टोरेज की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर 6 GB की रैम मिल जाती है और 64 GB की स्टोरेज मिल जाती है आपको, और वही हाइब्रिड सिम स्लॉट है आप समझ सकते हैं। बस यही है दोस्तों खास बात, और इसके अंदर बैटरी बैकअप मिल जाता है 4000 mAh का, जो कि फास्ट चार्जिंग खैर नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि आपको अगर आप कॉलिंग वगैरह करते हैं तो 150 आवर यानी करीब करीब कितने दिन हो गए यार, आप अंदाजा लगा लेना उतने दिन चल जाएगा। बस यही है इसकी कुछ खास बातें, और इसकी प्राइस बताया जाए इसकी, दोस्तों इसकी प्राइस है 14,999 रुपए, ये भी अमेजोन के ऊपर आपको मिल जाएगा।
दोस्तों अगले मोबाइल की बात की जाए तो अगला मोबाइल है सैमसंग का J7 Max। इसके अंदर भी कुछ खास है लेकिन इसके सबसे पहले आपको प्राइस बता देते हैं। इसकी प्राइस है 17,900 रुपए, यानी 100 रुपए कम 18,000 में, तो 100 रुपए मान लीजिए शिपिंग चार्ज समेत आपको लग जाएंगे। तो अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आपको करीब करीब 18,000 रुपए का पड़ जाएगा। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले कैमरा की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है और 13 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा मिल जाता है। हालांकि 13 मेगापिक्सल है लेकिन आपको क्लियरिटी सैमसंग के मामले में कितनी मिलती है वो आपको पता है, सैमसंग क्वालिटी के मामले में डिपेंड करता है, तो क्वालिटी आपको एकदम बेटर मिलेगी इसमें आपको। और दोस्तों इसके अंदर 5.7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है जो कि वो भी बढ़िया बात है। और दोस्तों इसके अंदर ओएस की बात कर लेते हैं तो इसका ओएस के अंदर 7.1.1 नोगा का अपडेट मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। और दोस्तों इसके अंदर अब बात कर लेते हैं रैम और स्टोरेज की। दोस्तों इसके अंदर 4 GB की रैम मिल जाती है और 64 GB की सॉरी 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है इसमें आपको। और बैटरी के मामले में बात की जाए तो 3300 mAh की बैटरी बैकअप मिल जाता है जो कि सैमसंग एकदम बैटरी बैकअप अच्छा एक दिन चल जाएगा आपका। बस यही है इसके भी कुछ खास बात। उसकी प्राइस के आपने बताई थी मैंने 17,900 रुपए, करीब करीब 18,000 रुपए 100 रुपए में कम। बस यही है इसकी कुछ खास बातें। दोस्तों अगले मोबाइल की बात की जाए दोस्तों अगला मोबाइल है जो कि शाओमी का मी, शाओमी का नहीं बोल सकते, रेडमी का मी A1 जो कि आप अभी कुछ हाल ही में लॉन्च हुआ था। और इसके अंदर क्या क्या खास मिलते हैं वो बता देते हैं आपको। इसके अंदर डिस्प्ले की बात कर ले सबसे पहले, इसके अंदर 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, डुअल रियर कैमरा मिल जाते हैं और एक सिंगल जो कि फ्रंट कैमरा मिल जाता है इसमें आपको, 64 GB की स्टोरेज मिल जाती है इसमें आपको और 3080 mAh की बैटरी बैकअप मिल जाता है और फुल मेटल बॉडी बताया जा रहा है, तो फुल मेटल बॉडी हालांकि मैंने देखा भी है इसको। 4 GB की रैम मिल जाती है इसमें आपको, फिंगरप्रिंट सेंसर और हाई क्वालिटी साउंड पे डिपेंड करता है ये, तो हाई क्वालिटी साउंड मिल जाते हैं। और कैमरा की बात की जाए डुअल रियर कैमरा मिलता है जो कि आपको बैटर मिल जाते हैं और एकदम बेटर मिल जाते हैं। और बैटरी तो खैर आपको बताई थी 3080 mAh की बैटरी बैकअप मिल जाता है, ये भी अभी mi.com पे अवेलेबल हो जाएगा कल से, तो आप इसको डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। इसकी प्राइस भी है 14,999 रुपए, तो आप आसानी से इसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों बस यही था आपके 5 मोबाइल, मैंने बता दिया आपको यही मोबाइल आप परचेस कर सकते हैं। अगर परचेस करना चाहें तो लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट वहां से परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली कहीं से भी परचेस कर सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट के अंदर। कुछ मोबाइल जिसमें बताया मैंने वो ऑफलाइन नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन ही मिलेंगे, कुछ मोबाइल जो कि ऑफलाइन में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो ऑफलाइन में परचेस कर सकते हैं और ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। दोस्तों वीडियो देखने में बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे जरूर से क्लिक कर दें और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से कर लें और कमेंट जरूर से करें, हम आपके हर कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, जय हिंद वंदे मातरम।